वहीं हरेंद्र मिर्धा के सपोर्ट में एक जाजम पर जुटे सभी कांग्रेसी दिग्गजों ने जीत का दावा भी किया है और कांग्रेसी दिग्गजों से खास बातचीत की हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा ने। धर्मेंद्र जी, चुनाव की जिम्मेदारी आपको दी जाती है, फिर विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, अब जब नागौर में यहाँ पर सभी दिग्गज मौजूद हैं, जमीनी स्तर पर आपने संभाला है, यहाँ पर जीत को लेकर आपको क्या लगता है, अंतर अच्छा होगा और जनता जाएगी कांग्रेस के साथ जिस तरह से सरकार भी बनाएगी? 100% जीत होगी। ये जीत खींवसर की जनता की होगी। हमारे मंत्री हरीश चौधरी जी, सुखराम बिश्नोई साहब ने पूरी कमान संभाल रखी है। हम भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस एकजुट है। राजस्थान में डेवलपमेंट चाहिए, उसी तरह से खींवसर में डेवलपमेंट होना चाहिए। जब पहले हरेंद्र मिर्धा जी मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी खींवसर में जबरदस्त विकास किया, उस बात को जनता याद कर रही है। और खींवसर में हरेंद्र मिर्धा जी कोई नए चेहरे नहीं है, इन्होंने अपना जो सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा समय दिया है वो खींवसर में दिया है, और इनके प्रति लोगों में बहुत सहानुभूति है कि एक अच्छा इंसान है, अच्छे नागरिक हैं, अच्छे नेता हैं। अब जनता बदल चुकी है, अच्छे नेताओं को, अच्छे लोगों को चुन के लाएगी। राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान की सरकार में एक अच्छे आदमी वापस स्थापित होंगे। लेकिन यहाँ पर देखने को भी मिलता है कि बहुत ज्यादा बवाल भी नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता थोड़े शांत यहाँ पर, जो पहले स्थिति जैसी अब नहीं रही, अब बदली हुई स्थिति है। आपको लगता है कि ट्रैक में आने के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस के लिए रहेगी यहाँ के क्षेत्र? कांग्रेस पार्टी बहुत शालीन, बहुत संस्कारों से चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कभी भी झूठा प्रचार नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी में अच्छे लोग हैं, सब समाज के लोग, सब धर्मों के लोग, इसलिए कांग्रेस पार्टी न कभी आक्रामक होती है न कभी बैकफुट पे आती है, जैसे चलती है वैसे चलती रहती है। कांग्रेस की रणनीति भी अलग होती है धर्मेंद्र जी, इतने सारे लोग जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे, आपको क्या लगता है कांग्रेस की विचारधारा कार्यशैली इसकी वजह? बिल्कुल कार्यशैली है, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आप देखेंगे हरेंद्र मिर्धा जब जीत के जाएंगे 24 तारीख को, तो आपको लगेगा कि कितना अच्छा इनकी पॉपुलरिटी है, यानी जीत को लेकर आश्वस्त। 100%। तो धर्मेंद्र राठौर जी थे जिनका कहना है कि जीत को लेकर आश्वस्त है, 100% आश्वस्त है। उसकी वजह यह है कि 15 सालों तक विकास के काम यहाँ पर नहीं हुए, हालांकि जनता कांग्रेस के साथ नहीं गई, मार्जिन से हम हारे हैं, लेकिन इस बार 100% जीत को लेकर आश्वस्त है। और मोटिव पूरी तरह से यही है कि जीतना है, और जीतने के बाद जनता से जो वादे किए, जनता की जो जरूरतें हैं, जो यहाँ पर अब तक पूरी नहीं हुई विकास के काम है, उसे पूरा करना है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ श्वेता मिश्रा, नागौर। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हरीश जी, पूरी मेहनत आप लोगों ने की है शुरू से ही, जब से यहाँ पर उपचुनाव के को लेकर घोषणा हुई, लगातार जमीनी स्तर पर आप लोग देख रहे हैं, जनता का मूड क्या नजर आ रहा है आपको? खींवसर के नागरिकों ने तय कर लिया है कि इस बार इस उपचुनाव के अंदर हरेंद्र मिर्धा जी को जिताने के लिए। खींवसर के मतदाताओं का इस बार मानस बन चुका है, और जो 21 तारीख को वो फैसला करेंगे और 24 तारीख को मतगणना के अंदर सामने आएगा। कांग्रेस की सरकार बनी, उसके साथ ही लगातार आप लोग ने जो वादे किए उसे पूरा करने में जुटे हुए हैं, ऐसे में आपको लगता है कि 10 महीने का कार्यकाल जिसे लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही कि कुछ नहीं किया, आपको लगता है उसी आधार पर जनता एक बार फिर से दो और विधायक तैयार करके कांग्रेस के दे? हर क्षेत्र के अंदर कांग्रेस की सरकार ने फैसला किया है, 10 महीने के अंदर संतोषजनक फैसले, जनता को अच्छी तरह से पता है कि संतोषजनक फैसले हुए, दिशा तय हो चुकी है हर क्षेत्र के अंदर, और 4 सालों के अंदर हर कोई जो वादा हम लोगों ने जन घोषणा पत्र के मार्फत से किया, उन तमाम वादों को हम लोग पूरा करेंगे। हरेंद्र मिर्धा जी खुद मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। हरेंद्र जी, 15 साल विकास के काम नहीं हुए, आपने भी ये बात कहा, जनता भी ये बात मानती है, आपके वक्त में आपने काम बहुत कराए थे, क्या एक बार फिर से तैयार उन काम को करने के लिए, क्योंकि जीत को लेकर तो आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं? जिंदगी में एक ही तो काम है, जनता का काम करना, 40 साल से कर रहे हैं, जब तक जिंदा है जब तक करेंगे। और बहुत सारी चीजें जो आपने अभी बताई भी कि इतनी कमियां हैं, इतनी सारी चीजें हैं, उम्मीदें हैं लोगों की, वो करना चाहते हैं, लेकिन वो अब तक हुआ नहीं है, क्या आपको लगता है कि पिछले 15 साल का विकास ना होना ही लोग हरेंद्र मिर्धा के साथ जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो 15 साल से विकास नहीं हुआ है उसकी पूर्ति हम अगले 5 साल में करेंगे। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, पर उसको ध्यान दिया गया नहीं है, इस वजह से वो थोड़ा दिख नहीं रहा है, पर अच्छा इतना बेस अच्छा बना हुआ है कि हम 2 साल में उसको पूरा अपडेट ले आएंगे। और मैं यहाँ से एमएलए रह चुका हूँ 2 बार, तो जनता से है जुड़ाव है, और मेरे फैमिली का भी यहाँ पर रिश्तेदार, दूसरे सब लोग हैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, तो हम लोग मिलके एक टीम के हिसाब से यहाँ काम पहले भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे, तो जनता को कोई तरह की दिक्कत होगी नहीं। परिवारवाद को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि परिवारवाद ही सवाल होना चाहिए या काम किया जा रहा है तो परिवारवाद भी ठीक है, अगर परिवार के सदस्य? परिवारवाद में जनता वोट देगी जब भी, तो हम आगे बढ़ेंगे। सारे जो मुझे पोस्टें मिली है मैंने कंटेस्ट करके लिए,
अभी भी टिकट दिया है तो पूरा सर्वे डिटेल में हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाऊ तो कंटेस्ट हुआ है, जिला प्रमुख बनाऊ तो कंटेस्ट हुआ है, तो पार्टी ने वो प्लेट भी नहीं दी। अब जनता का सपोर्ट है उसको आप कुछ भी कह लें, पर अल्टीमेटली वो मैटर करता है जनता आपके साथ है कि नहीं। ठीक है, एक और अहम बात है, युवा वर्सेस तजुर्बा, हम ये कह सकते हैं क्योंकि उधर नारायण बेनीवाल है, इधर आप है जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कि युवा भी आपके साथ आ रहा है, वो समझ रहा है कि हमें क्या चाहिए, कौन काम कर सकता है? खीमसर के लोग समझ गए कि होश और जोश दोनों चाहिए, तो इसलिए होश और जोश दोनों साथ आ गए खीमसर में, कांग्रेस जीतेगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ श्वेता मिश्रा, नागौर। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सहदेव चौधरी जी मौजूद है। सहदेव जी, जमीनी स्तर पर किस तरह से काम किया जाता है और जमीनी स्तर पर किसी नेता को कितना सपोर्ट किया जाता है, उसके उदाहरण सहदेव चौधरी हैं। अब जबकि खिवसर का चुनाव होने जा रहा है सर, कितनी जमीन मजबूत कांग्रेस के लिए लग रही है? ऐसा है, सभी तरह यहाँ का जो चुनाव है ना वो जनता ही लड़ रही है, यहाँ जो है नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और खिवसर के अंदर कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं और सारे कार्यकर्ता 36 कौम के कार्यकर्ता पूरे जोश से लगे हुए हैं और उनका अब की बार ये है हरिंदर जी को जिताने का, जिताना यही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन पिछले 2-3 बार से हम देख रहे हैं गलतियां जनता भी कर रही है जो कांग्रेस को चुन के नहीं ला रही, आपको क्या वजह लगती है कि इस बार जनता कांग्रेस के साथ जाए? इस बार तो लोगों का पक्का मन है कि कांग्रेस को जिताएंगे और रीति नीति और जो लोगों की समस्याएं हैं ना वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है। इतने टाइम में कांग्रेस नहीं आई तो समस्याएं बढ़ गई। अब स्थिति ये है कि वहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, माइनिंग की प्रॉब्लम है, दूसरी बहुत प्रॉब्लम है। कांग्रेस ही चूंकि सरकार है इसलिए लोग चाह रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो और ये होगा, क्योंकि हरिंदर जी खुद जो है वहाँ इस क्षेत्र से लंबे समय से रहे हुए थे और लोगों का उनमें विश्वास है और उन्होंने हमेशा काम किया, इसलिए मैं समझता हूँ कांग्रेस हरिंदर जी मिर्दा एक ताकत बन के उभरे हैं और जनता उनके पूरी तरह से साथ है ग्राउंड लेवल पे, यानी स्थानीय मुद्दों को लेकर ही कांग्रेस चुनाव यहाँ पर लड़ रही है। हाँ, ज्यादातर स्थानीय मुद्दे ही काम आ रहे हैं। सर, जीत को लेकर क्या तैयारी? देखो, बिल्कुल जो खींवसर का जो चुनाव माहौल चल रहा है हम बिल्कुल निश्चित है अच्छी अच्छे मतों से हमारी जीत होगी। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से अभी आप सवाल पूछ रहे थे मिर्दा जी को वंशवाद को लेकर, ये जो खींवसर का टिकट है ना वंशवाद के हिसाब से नहीं मिला है। इसके लिए 6 महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब ने मुझे बुलाया, कहा कि अध्यक्ष जी आप जिला अध्यक्ष हो नागौर से, आप सर्वे कराइए कि यहाँ पे खींवसर को किसको टिकट दिया जाए, किसी भी मतलब तरह ये सीट निकले ताकि अपना ये अच्छा मैसेज आए। तो मैंने हमारे पूरे जिले की कार्यकारिणी प्लस जो हमारे जिले के जीते MLA जीते नेतागण है सबसे बैठ के बात की और सर्वे कराया। उस सर्वे के अंदर एक ही नाम आया कि यहाँ पे हरिंदर मिर्दा जी सीट निकाल सकते हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ श्वेता मिश्रा, नागौर। मैं 50 गांवों में घूम के आया हूँ खिमसर में, और जनता जो इस 15 साल की पीड़ा झेली उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, और बिजली के कनेक्शन अवैध चलवाना और भी कई बातें हैं जो अभी हरिंदर जी मिर्दा साहब ने बताई थी, ये सारे काम रेगुलाइज करके अच्छी तरीके से करवाने के नियमानुसार वो भी कार्रवाई करेंगे। अंदर 2 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, खींवसर और मंडावा के अंदर, और दोनों विधानसभा सीट के अंदर मुझे भी जाने का मौका मिला है। भारी बहुमत के साथ मैं कांग्रेस पार्टी जीत के और कांग्रेस का परचम ले रहेगी। फर्जी वोट अगर इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार और संगठन और यूथ और बूथ पे पूरी निगरानी रखे, एजेंट सभी ध्यान रखकर अगर चुनाव डाला जाएगा, सक्रिय ऐसे वोट डाला जाएगा, तो बिल्कुल हरेंद्र मिर्दा जी बिल्कुल जीतेंगे, श्योर। हरेंद्र जी ने जो पिछला चुनाव जीता था, मंत्री थे, खींवसर में सड़कें बनाई, वही अभी तक सड़कें हैं, उसके बाद में नहीं बनी। जनता की अब आस है, जनता ये चाहती है कि फिर से खींवसर में हरेंद्र जी मिर्दा जीते और मंत्री बने और खींवसर की जनता का चहुमुखी विकास हो। जनता आज ट्राई ट्राई कर रही है, जिस व्यवस्थाओं के तहत राजस्थान में खिमसर एक अलग स्थिति में पड़ा है। आम जनता चाहती है हमें डेवलपमेंट मिले, भाईचारा मिले, सरह मिले, हमारी व्यवस्था है सरकार के साथ जुड़ के हम विकसित हो, वो सारी वह भिन्न है। पूरा जातिवाद का जहर का भाव बन चुका है।